अच्छा सवाल है। वॉट इज द मिनिमम मास ऑफ AlOH3? दैट कैन बी ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ वन ऑफ 13.4 ग्राम ऑफ AlCl3 विद 10 ग्राम ऑफ NaOH अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिसमें AlCl3 प्लस 3 NaOH, AlOH3 प्लस 3 NaCl। एक मोल AlCl3 का 3 मोल NaOH के और 1 मोल हमारा इसका। अब देखो इसके तो हमें जो दिए हैं ना मॉलिक्यूलर वेट के लिए, AlCl3 का हमें पता है 133.5 होता है, हम 13.4 को डिवाइड कर देंगे, NaOH का 40 होता है 108 को, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। AlCl3 का 0.1 मोल जो है AlOH का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 दे रहा है, तो 0.1 इसका कितना देगा, 0.1 देगा। इसी तरह 3 मोल NaOH के AlOH के का 1 मोल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 3 नहीं सिर्फ 0.25 मोल है, तो 0.25 कितने देंगे, 0.08 देंगे। तो कम कौन सा हो गया, 0.083 या 0.1, ऑफकोर्स 0.083, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया NaOH। तो अब हमें जो मास ऑफ AlOH चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके, NaOH के, जो कि 0.083 है, उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, हाँ जी AlOH3 के मॉलिक्यूलर वेट से, जो कि कितना है भाई, 78 है। तो आंसर आ जाएगा 6.47 ग्राम ऑफ AlOH3।